हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ फायर में। आज जो है कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोशन। और मोशन के अराउंड हम जो है कि मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद दूरी क्या होती है, डिस्टेंस मतलब, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर स्पीड, स्पीड के बाद वेलोसिटी क्या होती है, और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अपनी टॉपिक पर कि वास्तव में मोशन होता क्या है। देखिए, किसी भी वस्तु की समय के साथ स्थिति परिवर्तन ही मोशन कहलाता है। मतलब कि कोई भी वस्तु है, अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार बदल रहा है, चेंज कर रहा है, तो क्या है, मोशन है, क्या है, गति है। ठीक है, अब चलिए, अब हम थोड़ा सा आपको बोर्ड पर हम बना के बता देते हैं कि किस तरह से वस्तु अपनी पोजिशन को समय के साथ चेंज करती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोई वस्तु है, ठीक, और ये हमारा, ये वाली वस्तु क्या है, सेकेंड पोजिशन है, और ये हमारी फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक, अब ये क्या करती है कि समय के साथ क्या करती है, मान लीजिए टाइम टी लेके क्या करती है, टाइम टी लेके इस पोजीशन पर पहुंच जाती है। तो हम ये कहेंगे कि वस्तु में क्या है, मोशन है, यानी कि वस्तु में क्या की, गति की, समय के साथ अपनी स्थिति को क्या किया, बदल लिया। अब देखिए, अब मोशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसे भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहली चीज़ हम चलते हैं दूरी पर। दूरी क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो देखिए, दूरी के बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, पथ की लंबाई से क्या रिलेशन है वो भी बता देते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली सब ट्रैवल करते हैं, कोई पैदल ट्रैवल करता है, कोई बाइक से, कोई साइकिल से, कोई फोर व्हीलर से, सबका अलग अलग पाथ होता है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि देखिए, हम क्या करें, यहाँ से चले, अब हमारी सड़क किसी भी तरीके से हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, घुमावदार भी हो सकती है, कोई भी रास्ता किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे कि पहाड़ों पर क्या है कि घुमावदार होता है, और नॉर्मल हाईवे वगैरह पे क्या होता है कि सिंपल होती है, और अगर कहीं थोड़ा सा अगर सड़क ज़मीन सही नहीं रहती है तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है कि आपने इस तरह से भी सड़कें देखी होंगी, ठीक है, ब्रेकर पे भी देख सकते हैं। तो हम मान लीजिए हमारा पोजिशन ये है, पोजिशन ए, हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और जो है कि टहलते हुए जाते हुए आराम से कहाँ पहुँच जाते हैं, पोजिशन बी पर। ठीक, ये हमारा पोजीशन है। तो हम अगर ये जो हमारा पाथ है और इसी की लंबाई क्या है, दूरी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 रहा होगा, यहाँ से 15 रहा होगा, यहाँ लिए 7 कर देते हैं, तो हमारे जो पाथ की टोटल लंबाई क्या होगी, पाथ की टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, 10, 25, 25, 5, 30, 2, 32, यानी कि 32। अगर हम किमी में लेते हैं तो किमी, ठीक, और अगर हम इसी के लिए मीटर में ले लेते हैं तो भाई किमी की जगह फिर मीटर लगाना होगा हमें। ठीक, ये हमारा मीटर। तो हम कहेंगे कि पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक जो हमने दूरी तय करी वो हमारी कितनी थी, 32 मीटर। ठीक है, सेकेंड चीज़ में क्या है कि ये भी सिंपल है, पोजीशन वन ले लेते हैं इसको, पी वन, और इसको P2। मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 12, ठीक है, किमी। तो हमारी सेकंड पोजीशन में जो ये सेकंड वाली इक्वेशन में होगा, जो ये हमारा सेकंड वाला फिगर है, इसमें क्या होगा कि हमारे द्वारा जो तय की गई पूरी पाथ की लंबाई होगी वो 12 किमी होगी, और हमारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, 12 किमी। ठीक, तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किमी। ठीक, और दी थर्ड वाले में भी वही मान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु क्या कर रही हो, वित्तीय मार्ग पर गति कर रही हो, ठीक, थोड़ा सा ये स्पेशल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हम वस्तु की सीधी लंबाई या फिर इस तरह से नहीं लेते, हम इसका जो है कि हम मान लेते हैं कि किस, इसका रेडियस क्या है, 2 मान लेते हैं, 2 मीटर। ठीक, तो हम पूछें कि मान लीजिए हमारा पोजीशन यहाँ से शुरू होता है, हम इस तरह से मोशन करते हुए फिर कहाँ पहुँच जाएँ, अपने पे पोजीशन फिर ए पे पहुँच जाएँ, तो आप कहेंगे कि हमने दूरी कहाँ तय करी, तो भाई दूरी आपने तय करी है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से ले के घूमते हुए पहुँचे, और क्या किया, क्या किया आपको, क्या लगा, टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको समय लगा। ठीक, तो ये हमारा, ये जो हम अभी, ये आपको, आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि हम इसकी दूरी को कैसे निकालेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक। तो आप इसका डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आप निकालेंगे 2 × π × 2, यानी कि 4π। अगर आप और ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो 22/7 मीटर हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो तीसरा फिगर है उसमें अगर हम पूछें कि हमारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो भाई तीसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, ये हमारा 88/7 मीटर, ठीक। अब आते हैं, हम बात करते हैं, ये तो हमारा रहा अभी तो दूरी का रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पर, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि दोनों चीज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि दोनों चीज़ें किस लिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए दूरी, सॉरी विस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक, विस्थापन। हाँ, और एक बात याद रखिएगा कि जो है कि थोड़ा सा हम बताना भूल गए, दूरी का मात्रक क्या होता है, उसका मीटर होता है, ठीक। और ये दूरी एक क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। वैसे आगे हम पढ़ा देंगे इसके बारे में भी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट हो गया हो तो हम इसको रफ करते हैं। चलिए अब विस्थापन की बात करते हैं। देखिए अभी हमने दूरी में क्या बताया कि आपको पूरे पाथ की लंबाई हमने जितना तय की है उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग का मतलब यह है कि यहाँ हम क्या करते हैं कि पूरी पाथ की लंबाई नहीं लेते हैं। ये नहीं कि जो है कि हम गए यहाँ से, आप मान लीजिए इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर बनारस गए, फिर बनारस से आप मान लीजिए इलाहाबाद आ गए, तो ये हमारी दूरी, ये तो हमारी अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो हमारी दूरी होगी। लेकिन अगर हम पूछें कि विस्थापन क्या है, तो इलाहाबाद और हमारी पोजीशन से जितनी दूरी रही होगी, यानी कि मिनिमम दूरी, बहुत कम दूरी, उसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमने दूरी पूरे पाथ की लंबाई ली थी, यहाँ वो नहीं है। विस्थापन क्या है, दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारी पोजीशन क्या थी पहले, ए, हम यहाँ से चले यहाँ पहुँचे पोजीशन बी, फिर यहाँ से चले मान लीजिए यहाँ रहा होगा 10 किमी, हम यहाँ चले 5 किमी, फिर हम टर्न आ गए मान लीजिए यहाँ से हम फिर आ गए ये 8 किमी, ठीक, फिर हम यहाँ आ गए 2 किमी। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यानी कि इनिशियल पॉइंट है, और जो हमारा ये फाइनल पॉइंट है, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यानी कि न्यूनतम दूरी, अब जो है कि दूरी हम क्या कर रहे थे, दूरी में यहाँ से लेके पूरा टोटली मेजर करते हुए यहाँ तक आ रहे थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एंड और क्या है उसके बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम। जैसे कि कभी कभी इस तरह से मान लीजिए आता है कि हम मान लीजिए हमारा जैसे गांव के, कभी गांव में अगर मेला लग जाए और आपको बाय रोड जाना हो, तो आप मान लीजिए यहां से हम कहें 3 किमी और ये आपका 4 किमी, ठीक। और मान लीजिए मेला वाला पोजीशन यहां पर है, हम यहां से चलते हैं, ठीक, 3 किमी इधर गए बाय रोड, 4 किमी इधर गए बाय रोड, कितना हो गया हमारा, 4+3=7 किमी हमको चलना पड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके तिरछे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमको बाय रोड ना जाना हो और हमें अपना समय बचाना हो, तो हम क्या करते हैं इस तरह से हमारा हम अपने घर से इस तरह से मोशन करेंगे, ताकि हम क्या करें जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपका ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 5 किमी, यानी कि हमें 2 किमी क्या करना पड़ा, कम चलना पड़ा, ठीक है। 2 किमी क्या करना पड़ा, हमें कम चलना पड़ा। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो है न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि स्पीड क्या होती है और उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है। हाँ, विस्थापन आपके क्या है ये भी बता देते हैं। देखिए अगर आप विस्थापन का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड विस्थापन का मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे, तो जो इसका जो इसकी यूनिट होती है, यानी कि मीटर, जैसे दूरी में दूरी की यूनिट क्या थी, मीटर, इसमें भी वही क्या होता है, मीटर। बस विस्थापन में क्या होता है कि डायरेक्शन का इशू आता है,
डायरेक्शन का मतलब इसमें दिशा की इशू, दिशा दिशा की बात रहती है, और जबकि दूरी में आपका ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक अभी हम आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, फिर उसके बाद हम चलेंगे स्पीड और वेलोसिटी पर। चलिए चलिए हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस, ठीक, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ें हमने अभी ये क्या बात करी थी कि दूरी क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो दूरी क्या है, तय किए गए पूरे तय किए गए पूरे पाथ की लंबाई, पाथ की लंबाई, ठीक, ये दूरी है। और विस्थापन क्या है, दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, कम या मिनिमम दूरी, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट का भी मात्रक होता है मीटर, ठीक। विस्थापन का मात्रक मीटर, ठीक। तीसरी चीज़ क्या है कि जो दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि, ठीक। लेकिन आपका विस्थापन क्या है, विस्थापन आपका सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक। चौथी चीज़ क्या है, दूरी में दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन विस्थापन में आपकी दिशा होना अनिवार्य है। विस्थापन में दिशा का होना अनिवार्य है, ठीक। तो ये था जो है कि मेजर डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हम मेजर था, हमने आपको बता दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। तय किए गए पूरे पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, या दूरी होती है, और दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी में जो है कि दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, बट विस्थापन में आपका दिशा अनिवार्य है और होना ही चाहिए, ठीक है। इसी से विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशि हुए हैं जो जिनमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों हो, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों का होना अनिवार्य है, वो क्या है, सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्पीड क्या होती है, यानी कि चाल क्या होती है और वेग क्या होता है, ठीक। चलिए आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड को चाल कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम ये स्पीड में क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक सेकंड में जो वस्तु दूरी तय कर रही है, और दूरी और टाइम के रेशियो को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे अगर हमें चाल का फार्मूला लिखना हो तो हम कहेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस
बाई टाइम टाइम, ठीक। ये हमारा क्या है, चाल। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। यानी कि चाल को आप अगर परिभाषित करना चाहे तो ये तो हमारा फार्मूला था, हमने फार्मूला लिख दिया। अगर आपको चाल की परिभाषा लिखनी तो आप लिख सकते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक। एकांक समय का मतलब है कि जो हमने, जैसे कि चलिए बता देते हैं आपको, मान लीजिए हमने क्या करा, ये हमारा टोटल डिस्टेंस था 15 मीटर और ये हमारा 5 मीटर, ठीक। ये हमारा पोजीशन है, पोजीशन बी। और मान लीजिए हमने टोटल टाइम कितना ले रखा है, 10 सेकंड ले रखा है, ठीक। तो आपको अगर चाल निकालनी हो कि हमारी चाल कितनी थी जो ये 15, 5, 20 मीटर तय करने में हमें 10 सेकंड लगा, तो हम निकाल, अगर आपको निकालना हो कि हमारी चाल कितनी है तो हम क्या करेंगे, चाल बराबर टोटल दूरी कितनी है हमारी, 10, 15, 5, 20 बटे टाइम कितना लिया हमने, 10। तो आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड का मतलब है ये कि जो स्पीड की यूनिट होगी वो किस में मेजर की जाएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यानी कि अगर आपको लिखना हो कि चाल का मात्रक क्या होगा, तो चाल का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सवाल ये हो सकता है, सर चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड कैसे आ गया? तो देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूरी को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और समय को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो दूरी बटे समय है तो मीटर बटे सेकंड, यानी कि चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक। और हमने वहाँ पढ़ा था कि दूरी अदिश राशि है, तो यहाँ भी जो आपकी चाल है वो कौन सी राशि है, चाल आपकी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। चाल एक अदिश राशि है, ठीक। इसमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्शन जो है कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए क्या है, ये एक अदिश राशि है, ठीक। और उसका चाल का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, इसको नोट कर लीजिएगा। और चाल किस तरह से निकाला जाता है हमने बता दिया, आपने जितनी दूरी तय करी है, ठीक, और आपको जितना समय लगा यहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करने में, उसका आप रेशियो निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाल क्या चीज़ होती है और हमारी चाल कितनी रही होगी। किसी का भी निकाल सकते हैं, बाइक का है, कार का है, प्लेन का है, और आप अपने अपने जो आप पैदल चल रहे हैं उसकी भी स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेग की, ठीक। वेग क्या होता है, देखिए वेग बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है। यहाँ पे हमने चाल के लिए ले रखा था दूरी बटे समय, और जब वेग की बात करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन बटे समय, ठीक। विस्थापन बटे समय को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वेग की बात कर लेते हैं, वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक। वेग, अगर वेग की डिफिनेशन देना हो तो आप कह सकते हैं एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है, वेग कहते हैं। ये था एक वेग क्या है, वेग वेलोसिटी, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आपको इसकी वेग की वेग की वेग का फार्मूला लिखना हो, जैसे कि वेग बराबर तो क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन बटा समय, ठीक। अब विस्थापन की यूनिट क्या होती है, यानी कि उसका मात्रक क्या होता है, मीटर ही बताया गया है, ठीक। और उसके बाद समय का हम जानते हैं सेकंड, यानी कि वेग का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक। अभी इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का क्या होता है, सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा।
अगर आपको स्पीड जो है कि आपको वेग निकालना हो कि किसी वस्तु का वेग कितना है, तो देखिए वेग के लिए क्या होता है कि उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और वेग क्या है, सदिश राशि। तो आप नीचे लिख लीजिए वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक। वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक। ये इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक हमारी ये पोजीशन वन था, पोजीशन ए, हमने ट्रेवल किया डिस्टेंस बी तक गए, मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर रहा, फिर हमने क्या किया यहाँ पे 5 मीटर आए, फिर हम यहाँ पे आ गए 10 मीटर चल के, हमारा ये पोजीशन ए और ये फाइनल पोजीशन मान लीजिए ये सी डी, ठीक, हमारा ये पोजीशन डी है। तो टोटली हम देख रहे हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो ये अंतिम बिंदु है, इसके बीच की अगर आप देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से इसके बराबर है ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो आप हमारा वेग अगर निकालना है तो वेग के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बराबर विस्थापन कितना है 5 का। मान लीजिए हम टाइम आपका यहाँ से टोटल टाइम आपको मान लीजिए कह रहे हैं कि हम दो, मान लीजिए 2 सेकंड यहाँ लगा, 1 सेकंड यहाँ लगा, 2 सेकंड यहाँ लगा, मान लीजिए टोटल कितना हो गया 5 सेकंड। तो 5 सेकंड यानी कि आपका हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वेग हो गया। तो ये था हमारा वेग और हमारी इससे पहले हमने स्पीड की डिस्कस की। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि वेग और स्पीड में क्या अंतर होता है, बहुत शॉर्ट में बताएंगे आपको नॉर्मली। ठीक है, थोड़ा सा रफ करने में टाइम लग सकता है। चलिए स्पीड, वेलोसिटी यानी कि वेग, और ये हमारी चाल, ठीक। अब देखिए, हमने पहले ही बता रखा था कि क्या है चाल बराबर, आपका क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। दूसरा, चाल एक अदिश राशि है, ठीक। और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटा समय, ठीक। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक। चाल हमेशा धनात्मक रहेगी, ठीक, जबकि आपका वेग धनात्मक हो सकता है, ठीक, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, ठीक है। और चाल का आपका मात्रक क्या है, चाल का मात्रक दूरी बटा समय, वेग का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक भी क्या है, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए मीटर पर सेकेंड, ठीक, और यहाँ भी क्या होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। देखिए जैसे इसमें क्या है कि चाल जो हो, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, चाल हमेशा धनात्मक रहेगी, ठीक है, वेग क्या है धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, चाल का मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड। यही प्रोसेस विस्थापन में भी था, क्या उसमें क्या होता है कि दूरी आपकी हमेशा धनात्मक रहती है और विस्थापन में क्या हो सकता है कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य हो सकता है। चलिए, ये था कॉमन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि
चाल और बेग के बीच में जो सामान्य अंतर होता है वो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है, यानी कि जब हम बेग पढ़ लिए तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, त्वरण। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि त्वरण क्या चीज़ होती है और त्वरण को कैसे परिभाषित किया जाता है। चलिए त्वरण की बात कर लेते हैं, त्वरण क्या होता है, ठीक, उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे कि चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, अब हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है, देखिए त्वरण को अगर आपको परिभाषित करना होगा तो आप बताएंगे कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। अभी तो हमने स्पीड में पढ़ा कि डिस्टेंस रेशियो टाइम स्पीड, फिर उसमें हमने वेलोसिटी में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रेशियो टाइम वेलोसिटी। ठीक, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं त्वरण। त्वरण क्या है, हम कह सकते हैं त्वरण के लिए, त्वरण को परिभाषित करने के लिए त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, यानी कि और इसको डिफाइन किससे किया जाता है, ए से, ए बराबर डेल वी बाई डेल टी। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, त्वरण। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, जो वेग का मात्रक है, वेग का मात्रक हमारा क्या था, अभी हमने पढ़ा मीटर पर सेकेंड। ठीक, और टाइम, इसके लिए टाइम का जो है कि टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक, तो आप इसका पूरा टोटली आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वी बाई डेल्टा टी। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक, जैसे हमने यहाँ पे इसका मात्रक इसलिए मीटर पर सेकंड यहाँ लिखा है क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, फिर टाइम का क्या होता है, सेकंड, फिर इसके बाद हमने टोटल कैलकुलेट किया तो आपका आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि टोटली आपको अगर पूछा जाए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और ये राशि कौन सी है, एक सदिश राशि होते राशि है। ठीक है, देखिए त्वरण भी, त्वरण में दो स्टेप्स आते हैं, पहला होता है कि एक त्वरण कहेंगे और एक मंदन होता है, यानी कि जब स्पीड लगातार, वस्तु की स्पीड लगातार बढ़ रही है। ठीक है, लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वस्तु का वेग क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है, तो उसमें जो त्वरण में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसे कहेंगे त्वरण। ठीक है, यानी कि उसके स्पीड में जो लगातार वृद्धि हो रही है तो क्या कहेंगे हम, त्वरण कहेंगे। अगर इसकी, उसका वेग क्या हो जाए, धीरे 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 घट 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 घटता रहे तो उसे क्या कहेंगे हम, मंदन कहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद हमने ये पढ़ा एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ा, फिर उसके बाद मात्रक क्या होता है, राशियाँ क्या होती है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी। तो ये हमारा आज का जो है कि आज का टोटल जितना हमने कहा था लगभग हमने पूरी उसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टोटल आज का टॉपिक था।